दोस्तों इंस्टाग्राम तो आप सभी लोग अपने मोबाइल में तो जरूर यूज करते होंगे, क्योंकि आज के समय में सभी लोग जैसे 90% लोग अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम यूज करते हैं, क्योंकि चाहे वो फोटो अपलोड करना हो, वीडियो अपलोड करना हो या फिर रील देखना हो। लेकिन क्या आपको पता है, जब अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो या फिर इंस्टाग्राम रील देखते हैं, उस समय हमारा इंस्टाग्राम हमारे मोबाइल की बैटरी और डाटा को इतनी ज़्यादा कंज्यूम करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इससे आपने एक बात तो जरूर नोटिस की होगी, जब भी अपने मोबाइल में 5 मिनट, 10 मिनट या फिर आधा घंटा या फिर 1 घंटे तक अपने मोबाइल में अगर इंस्टाग्राम चलाते रहे तो आपके मोबाइल में एक मैसेज आता है कि आपने अपने मोबाइल का 50% डाटा यूज कर लिया है, या फिर आपके मोबाइल पे पूरा डाटा खत्म हो चुका होगा और आपकी फ़ोन की जो बैटरी है वो भी बहुत ज़्यादा या फिर बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाती है। तो अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी खुफिया सेटिंग के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने बैटरी और अपने डाटा को बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। इससे आप अगर अपने इंस्टाग्राम को दिन भर भी यूज करते हैं तो आपका मोबाइल का इंटरनेट और बैटरी पूरी तरह से बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी। तो उसके लिए आपको अपने फ़ोन के अंदर वह सेटिंग करनी होगी, वह एक खुफिया सेटिंग होती है जो आपको उसे खुद से इनेबल करना होता है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो सबसे पहले सेटिंग के बारे में बात करते हैं, तो उस सेटिंग के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको नीचे के साइड अपने प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक कर देना है, और आइकन पर क्लिक करने के बाद आप ऊपर के साइड देखेंगे कि 3 लाइनें देखेंगी, और उस 3 लाइन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने खुल कर आएगा, उसके बाद आपको नीचे धीरे धीरे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप एक सेटिंग देखने को मिलेगी, इसका नाम है डेटा यूज एंड मीडिया क्वालिटी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको 2 सेटिंग मिलेगी, ऊपर लिखा होगा डाटा सेवर, तो सबसे पहले हमें इस डाटा सेवर को ऑन करना है। ऑन करने के बाद जब से हम इसको ऑन करेंगे तो हमारे सामने एक और सेटिंग खुल कर आएगी जहाँ लिखा होगा हाई रिजोल्यूशन मीडिया, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, पहला नेवर, दूसरा वाईफाई ओनली और तीसरा मोबाइल प्लस वाईफाई। तो इसमें आपको क्या करना है, ऊपर के साइड जो नेवर लिखा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने से हमें ये फायदा होगा, अगर हम किसी के मोबाइल का डाटा या वाईफाई से अपने मोबाइल को यूज करते हैं तो उसका भी वाईफाई या फिर उसका इंटरनेट बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। तो इसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको नीचे के साइड एक सेटिंग देखने को मिलेगी जिसे का नाम है अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी, तो ये सेटिंग हमेशा ऑन रहती है, तो इसको आपको ऑफ कर देना। और इसको ऑफ करने से ये फ़ायदा होगा कि जब हम भी अपने मोबाइल में कोई भी फोटो या फिर वीडियो देखते हैं या फिर अपलोड करते हैं तो वह हमारे मोबाइल के इंटरनेट को 2 गुना स्पीड के साथ ख़त्म करता है। जैसे हम कोई रील देख रहे हो तो इंस्टाग्राम पे कोई भी फोटो या फिर वीडियो अपलोड करते हो, जैसे वो उस वीडियो का साइज अगर 50 MB हो या फिर 100 MB हो तो उसे अपलोड करने में जितना हमारा डाटा खर्च होता है उससे ज़्यादा 2 गुना डाटा हमारे मोबाइल का यूज होता है। जैसे अगर 100 MB का कोई भी रील है तो उसे जब भी हम अगर इंस्टाग्राम पर अपलोड करेंगे तो हमारे मोबाइल का डाटा 2 गुना स्पीड के साथ ख़त्म होगा, क्योंकि मोबाइल का डाटा बहुत तेज़ी के साथ ही ख़त्म होगा। तो गाइस इतना सेटिंग करने के बाद आप बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद अपने मोबाइल में कोई भी रील देखते हैं या फिर कोई भी हम अपने मोबाइल में फ़ोटो अपलोड करते हैं या फिर वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके मोबाइल का डाटा या फिर मोबाइल की बैटरी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगी। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।